आरएसएस के संगठन राष्ट्रीय सेवा भारती के विश्व स्तर पर जुड़े सेवाकारों को उनके सेवा कार्यों के लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस द्वारा पुरस्कृत किया गया। लंदन की बात की जाए या फिर पाकिस्तान के संसद की बात करें, आरएसएस की काफी चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान का कहना है कि पूरी दुनिया में आरएसएस तहलका मचाए हुए है, ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आरएसएस क्या है। इसी क्रम में ये भी जानना चाहते हैं कि आरएसएस के संस्थापक कौन है, और ये भी जानना जरूरी है। हो रही है, आप अभी देखे होंगे कि कोविड की महामारी में आरएसएस का एक सेवा का संगठन है, राष्ट्रीय सेवा भारती, और अमेरिका के व्हाइट हाउस के द्वारा पूरे वर्ल्ड में सेवा के कार्य में जो काम हुआ है, पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, तो अमेरिका की अमेरिकी गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय सेवा भारती को 1-5 जो सेवा कार्य हुए वर्ल्ड स्तर पर, उसमें उसको पुरस्कृत किया है। उसी प्रकार से लंदन की बात हो, आप प्रतिदिन सुनते होंगे, आप पाकिस्तान के संसद में हो, तो आरएसएस की काफ़ी चर्चाएँ हो रही है। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में आरएसएस तहलका मचाए हुए है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि आरएसएस क्या है, और आरएसएस को जानने के क्रम में आरएसएस के संस्थापक कौन थे। किसी क्रम में एक समाज में जो भ्रम की स्थिति है कि आरएसएस की स्थापना क्यों हुई, किसके लिए हुई, क्या पूरी दुनिया को निगल जाएगी, अखंड भारत बनेगा, नहीं, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए हैं, हम हिंदुत्व के लिए हैं, न कि पूरी दुनिया को अखंड भारत में समाहित करने के लिए है। तो इन सारे पहलुओं पर तकनीकी सत्र है, अनेक प्रकार की विषय हैं, यहाँ शोध पत्र दिए गए हैं, ये स्पष्टता करने का प्रयास किया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे और उनका जो संगठन है, ये पूरी दुनिया को एक लाइफ स्टाइल देना चाहता है, योग के माध्यम से पूरी दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाना चाहता है, ये आरएसएस के अपने सिस्टम के माध्यम से, लाइफ स्टाइल के माध्यम से। इसलिए इसमें बात उभर कर आई इस दो दिनों की गोष्ठी में, पूरे देश भर से आए, कि यह जो हिंदुत्व है यह केवल भारत के लिए नहीं है, किसी एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, उसमें मुस्लिम है, ईसाई है, जो भी, सभी के लिए यह एक स्वीकार्यता है आज के परिवेश में, जबकि इतना बड़ा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी आज आवश्यकता पूरी दुनिया को है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का। और चूंकि उसके जन्मदाता डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे, इसलिए इनके व्यक्तित्व के आयाम के ऊपर ये सारी चर्चा दो दिनों से हो रही है।